हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज सैटरडे है एंड अभी सुबह के इट्स अराउंड 9:20 एंड वहां पे है राय। यू वांट टू से हाय? तो अभी राय का टू एक्टिविटीज है एंड मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ आज। लाइक हम लोग का बहुत सारा काम है। एज द डे विल गो यू विल कम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए, सर्दियों में मुझे लगता है पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आलू का पराठा बना रही हूँ एंड दिस इज अ वेरी इजी वे। मैंने क्या किया है, आई हैव बॉइल्ड द पोटैटोस, फिर मैंने थोड़ा प्याज थोड़ा फ्राई कर लिया था कुछ मसाला देके एंड फिर मैंने सब ऐड कर दिया आटा के साथ और सब एक साथ ही मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये एक इजी वे है, जैसे कि हम लोग गाजर का पराठा भी बनाते हैं उस तरफ से, आप सबको तो पता ही होगा। एंड फिर मैं जब भी आलू का या मैं कोई स्टफिंग लाइक पराठा बनाती हूँ, मैं एक चटनी बनाती हूँ टमाटर से। तो यही वो चटनी है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक्चुअली बहुत बार शेयर भी किया, ये खट्टा मीठा टाइप चटनी होता है, तो मैंने वो बनाया है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी राय के लिए पराठा बनाती हूँ और ये एक बहुत ही इजी मेथड है। और जब भी मैं इस तरीके से पराठा बनाती हूँ लाइक सब एक साथ मिला के, तो मैं हर वक्त लाइक बटर पेपर यूज करती हूँ पराठा को रोल करने के लिए, तो बहुत इजीली निकल के आ जाता है एंड नो नीड टू यूज एनी आटा और मैदा। और ये रहा राय का पराठा विद टमाटर की चटनी एंड सम दही, क्योंकि राय को दही बहुत पसंद है। एंड कर्ड इज वेरी गुड फॉर किड्स, क्योंकि कर्ड में प्रोबायोटिक्स रहते हैं which is very good for everyone। तो मैं अभी पराठा बनाने का ड्यूटी चल रहा है मेरा, मैं अभी पराठा बना के मेरे हबी को भी दे दूं। ये टाइम हो गया है 11:30 और राय तो चली गई है बिकॉज शी हैज टू एक्टिविटीज, तो वो लोग 1 बजे आएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी लंच बना लेती हूँ और मैं बहुत ही मैं इजी हूँ। सेम गोभी का सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे लगता है जिस दिन हम लोग वेज खाते हैं क्या बनाएंगे यहाँ पे, लाइक कौन सा सब्जी बनाएंगे मुझे इतना समझ में नहीं आता। गोभी एक है जो राय को बहुत पसंद, लाइक सब लोग हम लोग खा लेते हैं। और फिर कैबेज भी है, पर कैबेज बनाओ तो फिर वो ड्राई होता है सब्जी। तो एनी हाउ आज मुझे बहुत सारा काम भी है, तो मैं गोभी आलू की सब्जी बना रही हूँ। इज द सेम जैसे मैंने आप सबको दिखाया था, थोड़ा मैं अलग है, मैं वो मसाला वसाला इतना ज्यादा ऐड नहीं करूंगी। मैं बहुत ही लाइट बना रही हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे जाके कपड़ा प्रेस करना है, तो वो एक बड़ा काम है। मैं जल्दी जल्दी सब्जी बना के मैं रख देती हूँ एंड मैं थोड़ा राइस बना लूंगी, दैट्स इट। एंड मैंने गोभी ऑलरेडी थोड़ा मैंने थोड़ा स्टीम कर लिया है गोभी, फिर मैं गोभी को फ्राई करूंगी, थोड़ा आलू को फ्राई करूंगी और फिर जैसा गोभी आलू की सब्जी होते थोड़ा मटर भी मैं ऐड कर दूंगी, बस हो जाएगा। पता नहीं मुझे विंटर्स में बहुत कंफ्यूजन लगता है यार, क्या बनाऊं सब्जी, और यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ सब्जी मिलता भी नहीं है। पता नहीं मुझे बहुत कंफ्यूजन लगता है मैं सब्जी क्या बनाऊं, क्योंकि सोयाबीन बना सकते हैं पर सोयाबीन हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी सोयाबीन पसंद ही नहीं है और मैं राय को मैं सोया का बहुत कम प्रोडक्ट में खिलाती हूँ, लाइक जितना हो सके मैं सोया अवॉइड करती हूँ। तो अभी मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ। और अगर आप सबको विंटर्स का दूसरा कुछ रेसिपीज लाइक कुछ ऐसा वेजेस पता है तो मुझे कमेंट पे जरूर लिखिएगा। एक्चुअली राय को गोभी खाना पसंद है, तो इसीलिए मैं हम लोग लाइक गोभी मुझे भी बहुत पसंद है और विंटर्स में गोभी एक्चुअली ज्यादा अच्छा मिलते हैं। ऐसे तो गोभी लाइक होल ओवर द ईयर मिलते हैं पर विंटर्स में मुझे लगता है गोभी का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और ये मसाले बहुत कॉमन है, सम अनियन पेस्ट, टमेटो पेस्ट, देन ऑल द लाइक द रिमेनिंग मसाला, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। एंड मैं अभी थोड़ा पानी दे रही हूँ और जब सारे मसाले अच्छी तरीके से पक जाए फिर मैं उसमें गोभी ऐड कर दूंगी, गोभी और आलू। एंड मैं अभी इसको ऐसा ही रख दूंगी क्योंकि मुझे अभी थोड़ा बाहर जाना है कुछ सामान लाने के लिए, तो फिर तो थोड़ा ही बाकी है तो मैं आके करूंगी। मैं अभी बाहर जा रही हूँ, अभी आके ही मैंने मैं उसको पानी दूंगी एंड फिर तो 5 मिनट्स में ही हो जाएगा। बहुत ज्यादा ठंडा है, मैं जस्ट यहाँ पे
अपने लोकल ग्रॉसरी स्टोर में जा रही हूँ, तो मुझे लगा कि खाना पकाते पकाते ही मैं जाके आ जाती हूँ। बहुत एक्सेसिव ठंडा है। और ये शायद कच्ची हल्दी है जो बहुत अच्छा है स्किन के लिए। और मैं राय के लिए, लाइक हम सबके लिए स्प्रिंग अनियन ले रही हूँ, मैं इसका भाजी बना दूंगी। तो मैं आ गई, मैं अपने विलेज शॉप में गई थी, मुझे कुछ सामान चाहिए था। आज शाम को आई एम थिंकिंग दैट आई विल मेक खीर एंड फिर ऑयल थोड़ा बाकी था, तो मैंने सोचा लेट मी टेक माई मैं हर वक्त कैनोला ऑयल यूज करती हूँ, बिकॉज मेनी ऑफ यू कीप मी आस्किंग कि पायल तुम क्या ऑयल यूज करती हो। एंड ये नॉन GMO प्रोजेक्ट लाइक वेरीफाइड है। मैं जल्दी जल्दी राय को स्प्रिंग अनियन एंड मेरे हबी को भी स्प्रिंग अनियन बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कि खाने में सिर्फ गोभी का सब्जी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सुबह हम लोगों ने पराठा खाया एक्चुअली, और बहुत ही अच्छा हुआ था। दिस इज अ वेरी इजी वे टू डू, लाइक अगर आपको अंदर में स्टफिंग करने का मन ना करे तो ट्राई इन दिस मेथड। तो जल्दी जल्दी मैं ये कट करती हूँ एंड लेट मी मेक इट एंड फिर ड्राई के लिए बटर मिल्क एंड दिस आर ओट प्रिजर्व। मैंने बहुत बार शेयर किया है, लाइक दिस इज अ वेरी हेल्दी स्नैक्स क्योंकि इसमें सोडियम भी बहुत कम है एंड ओवरऑल दिस आर बेक्ड एंड मेड आउट ऑफ ओट्स, तो ये खाने में भी बहुत अच्छा है। एंड दिस इज लाइक फुल पैकेट इज ओनली 110 कैलोरीज। सो मैं राय को स्नैक्स में देती हूँ स्कूल में एंड घर में भी सैटरडे संडे, यू नो बच्चों लोगों को थोड़ा थोड़ा भूख तो लगता ही है, तो वो आके जैसे बोलते रहते हैं मम्मी क्या खाओ क्या खाओ, सो दैट टाइम वी कैन गिव ऑल दिस। तो मैं जल्दी जल्दी ये कट करती हूँ एंड लेट मी एड सम वाटर, मैं अपना ड्रेस चेंज करके आती हूँ। आज बहुत एक्सेसिव ठंडा है, मुझे पता है आप लोग सब बोलेंगे, मेरा अभी उस दिन मेरा एक ब्लॉग देख रहे थे, ऐसा तो वो कभी भी मैं उनको नहीं दिखाती हूँ क्योंकि हर वक्त वो क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, तो वो बोल रहे थे तुम कितना बार ठंडी ठंडी बोल रहे हो, मैं बोला क्या करो इट इज रियली कोल्ड आउटसाइड। तो मैं जल्दी ड्रेस चेंज करके आती हूँ और थोड़ा देर बाद वो लोग भी आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी मैं सब कुछ कर रही हूँ और ये खत्म हो जाए तो उसके बाद मुझे ऊपर जाके आई हैव टू लाइक मुझे लॉन्ड्री करना है बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट पैकिंग। अभी आप सबको क्या लग रहा है, हम लोग कहीं पे घूमने जा रहे हैं क्या? थोड़ा वेट कीजिए तो आपको थोड़ा देर बाद पता चलेगा। तो सभी कुछ चल रहा है, मैं उसमें राइस बिठा दूंगी लाइक बॉईल करने को दे दूंगी और मेरा गोभी का सब्जी रेडी है, स्प्रिंग ऑनियन भज्जी भी हो गया है और गोभी का सब्जी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी थोड़ा बाद में हम लोग लंच करेंगे। तो मैं ऊपर आ गई हूँ एंड मैंने स्टोर रूम से सूटकेस निकाल लिया है। नहीं हम लोग नहीं जा रहे, ओनली माय हबी इज गोइंग फॉर हिज ऑफिस टूर, तो इसीलिए मुझे अभी लॉन्ड्री करना है और राय थोड़ा मूवी एंजॉय कर रही है और मुझे लॉन्ड्री करने। एक्चुअली आप लोग बहुत जन बोल रहे थे कि आप सबको लॉन्ड्री करना इतना पसंद है, बट मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है क्योंकि मैं लॉन्ड्री करते करते मैं टीवी देखती हूँ, जनरली मैं टीवी बहुत ही कम देखती हूँ। तो अभी मैं अपना हबी का ही कपड़ा सब प्रेस कर रही हूँ और अभी हम लोग लंच कर लेंगे। सो ये रहा हम लोगों का बहुत ही सिंपल सैटरडे लंच एंड वंस द लंच इज ओवर इमीडिएटली आई विल गो डाउन एंड आई हैव टू स्टार्ट पैकिंग। तो whenever you keep any suitcase in your bed, मुझे रखता है definitely कुछ तो नीचे में देना चाहिए and I will be taking only one organizing bag क्योंकि इतना सारा organizing bag तो ये suitcase पे नहीं आएगा, but this carry-on suitcase is very like बहुत ही बड़ा है, so मैंने सिर्फ socks दिया है organizing bag पे and his eye mask I am giving in a different small bag ताकि like उनको याद रहे कि इसी में है and ज़्यादा दिक्कत ना हो। So almost I am done, but I am very satisfied. ये suitcase बहुत बड़ा है, like इतना ज़्यादा कपड़ा आ गया। Generally कोई कोई carry-on bag में ज़्यादा कपड़ा नहीं आता है।
एंड या आई विल गिव हिज सैंडल इन माई लाइक ट्रेवल शू ऑर्गेनाइजिंग बैग. वो बहुत अच्छा है. सो मेरा माई पैकिंग इज डन फाइनली. सो फाइनली ये मेरा पैकिंग हो गया. एंड मेरे अभी बोल रहे तुम जो ये सब मुझे ऑर्गेनाइजिंग बैग में दे रही हो इज लाइक आई डोंट हैव एनी गारंटी कि ये बैग आएगा कि नहीं, सैंडल आएगा कि नहीं. मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, बट यू नो बहुत इजी हो जाता है अरेंज करने में. सो आई लव दिस ऑर्गेनाइजिंग बैग. एंड ये मैंने अमेजोन से खरीदा है. मोस्ट ऑफ यू नो वहां पे यू जस्ट राइट ट्रेवल ऑर्गेनाइजिंग बैग और ये सारे बैग आ जाएंगे. एंड दो शू ऑर्गेनाइजर्स है लाइक द शू ऑर्गेनाइजिंग बैग्स, दोज आर ऑल्सो वेरी गुड. क्योंकि मेरा बहुत दिन हो गया, आई थिंक सो इट्स बीन मोर देन वन ईयर मैं यूज करती हूँ. एंड फिर जब आप लौट के आए देन वॉश एवरीथिंग, मशीन वॉश एवरीथिंग. तो मुझे वो लाइक दैट वेर द बेस्ट थिंग जो मैंने खरीदा था. एंड दिस सूटकेस इज रियली नाइस. लाइक द कैरी ऑन सूटकेस बहुत बड़ा है, बहुत सारा स्पेस है एंड इट इज रियली लाइट. या हो गया मेरा पैकिंग. और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि मेरे हबी ही इज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो बहुत बार पहले भी जा चुके हैं. सो वी आर यूज्ड टू स्टेइंग अलोन नाउ. अभी शाम के 5 बज रहे हैं एंड हम लोग इंडियन शॉप जा रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा राइस चाहिए. एंड हम लोग ही पहले घर है जिसने लाइक पूरा क्रिसमस का डेकोरेशन निकाल दिया. तो वही मेरे हस्बैंड बोल रहे कि हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने निकाल दिया क्योंकि अभी इस वीक ही इज नॉट देयर. आगे इंडियन शॉप से एंड मंडे इज मकर संक्रांति. बट दैट टाइम तो घर में सिर्फ मैं और राय रहेंगे. तो मैंने अपने अभी को बोला टुडे ओनली आई विल लाइक हम लोग मकर संक्रांति के दिन हम लोग वो तिल के लाड़ू क्या बोलते हैं लड्डू तो है ही पर हम लोग पीठा बनाते हैं जो बंगाली में बहुत फेमस होता है. तो नहीं तो ऐसा पायस कुछ तो ऐसा मीठा बनाते हैं. तो मैंने बोला ठीक है मैं आज ही बनाऊंगी. तो मैं पाठी शाप्टा बनाऊंगी जो मुझे इतनी अच्छी तरीके से बनाना नहीं आता है. बट माई सासू माँ इज देयर. आई थिंक सो माई सासू माँ में एक पाठी शाप्टा लास्ट वीक ही उन्होंने बनाया था. तो वही मैं भी उनकी रेसिपी देखूंगी. एंड लाइक अंदर में आप कोकोनट दे सकते हैं, नहीं तो आप खीर खोया दे सकते हैं. सो आई गॉट द खोया. तो मैं अंदर का फिलिंग पहले बनाऊंगी एंड ऊपर का इजी है, ओनली यू हैव टू नो द प्रोपोर्शन. तो मैं वही बनाऊंगी. And then we got some patties, so जो मैं बेक करूंगी. और मेरे हबी बोल रहे कि तुम क्यों ये सब बना रही हो. फिर भी मैंने बोला कि नहीं मकर संक्रांति है उससे लाइक तुम मीठा खा के जाओ तो मुझे सेटिस्फेक्शन लगेगा. यू नो हाउ वी वाइफ सर, हम लोगों को ऐसा किसी को खाना लाइक ना खिलाओ तो अच्छा नहीं लगता है. और ये खोया बहुत ही अच्छा है. और जब भी आप खोया बनाए थोड़ा मिल्क ऐड कर दीजिएगा. एंड मैं इसमें शुगर नहीं, मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ. तो आप टेस्ट के अनुसार गुड़ ऐड कीजिएगा. एंड मैंने थोड़ा इलायची पाउडर भी ऐड किया है. तो ये बहुत ही जल्दी हो जाता है. तो थोड़ा और मीठा लाइक ज़्यादा चाहिए तो मैं और थोड़ा गुड़ ऐड कर रही हूँ. और पहले मुझे लगा कि मैं खीर बनाऊंगी जो मैं आप सबके साथ बोल रही थी. पर देन लाइक मेरे हबी को मीठा इतना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. दिस आई एम मेकिंग जस्ट फॉर माई सेटिस्फेक्शन. एंड फीलिंग तो बहुत इजीली हो जाता है बट इन पाठी शाप्टा द मेन इज द बैटर जिसमें मैं बहुत खराब हूँ. तो रेसिपी शेयर करने का तो कोई सवाल ही नहीं है बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो मच एंड जस्ट ट्राइंग कि लाइक हो जाए. फाइनली मैंने दोनों ही रेडी कर लिया है. अभी देखना है कैसा होता है. मतलब यू वांट टू ट्राई द इनसाइड, दिस इज वेरी टेस्टी. ट्राई देखो कैसा है बोलो. गुड है ना. एक तुम ये देखिए दो. गुड गुड गुड. राय बोल रही है गुड. ये अच्छा हुआ है ना. या इट्स वेरी गुड. वेट आई गिव यू. सॉरी इट्स गुड ना. या नाउ द मेन इज दिस वन जो मिक्सचर है. अगर वो नहीं हुआ देन आई एम फ्लॉप. देन हम लोग ऐसे ही इसको खा लेंगे.
एंड यहाँ पे मैं वो पैटीज बना रही हूँ. आई डोंट नो, इतना अच्छा नहीं लग रहा है. आई डोंट थिंक सो दिस वन इज गुड. एंड अभी तक इतना अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है. लाइक बहुत मुझे मुश्किल हो रहा है वो निकालने में. बट सब लोग बोल रहे कोई बात नहीं, जस्ट मेक इट. लाइक द इनसाइड फीलिंग बहुत ही अच्छा हुआ है. तो वही मैं अब देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉनस्टिक का लाइक कुछ भी नहीं है. मोस्ट ऑफ यू नो आई डोंट यूज नॉनस्टिक. तो ये निकल के आ गया एंड वही मैं अभी अपने हबी को खिला रही हूँ फॉर माई ओन मेंटल सेटिस्फेक्शन. पाठी छपटा मेरा बनाना हो गया और ना अच्छा नहीं हुआ था. आई नो हाउ आई मेड इट. लाइक अंदर का फीलिंग इज वेरी गुड. द क्या बोलूं, वो जो ये क्रेप की तरह ही होता है. क्रेप बोले ना कि क्रेप, क्रेप या ये क्रेप की तरह ही होता है. वो खाने में भी बहुत अच्छा हुआ था पर it was hard to take it and my hubby is like dosa jaise banate hai waisa bana rahe, that is different, this is different. to anyhow ho gaya and sabse bada flop hua hai this patties which we got. ye bahut zyada kharab hai. i think so this is from ashoka kuch aisa kuch hai. i don't, we never got this one. this is for the first time we got it and abhi hum log ye sab khate bhi nahi. after so many days i'm making this one. ye bahut hi kharab hai. it's very dry और लाइक बहुत बकवास है. ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो ये सब मुझे फेंकना पड़ेगा. तो अभी मैं चाय बना रही हूँ. सो अभी पता नहीं हम लोग डिनर करेंगे कि नहीं. मे बी आई गिव लिटिल बिट डिनर टू माय हबी. एंड कल तो मैं बहुत प्लेन बनाऊंगी और मैं बहुत जल्दी भी खाना बना लूंगी. तो अभी हम लोग सोच रहे हैं या एंड द गुड न्यूज इज कि अभी अंधाधुन इज इन यूट्यूब. तो आज हम लोग सोच रहे देखेंगे. एंड सो मेनी ऑफ यू आर टेलिंग मी कि पायल ये मूवी देखो. एंड मैंने डेफिनेटली मैंने बहुत सुना भी है कि ये सबसे अच्छा मूवी हुआ है इस ईयर का. तो कल मैंने देखा अंधाधुन, पता नहीं अभी तक है कि नहीं. एंड द पिक्चर इज अमेजिंग. तो वही हम लोग सोच रहे कि ऊपर टीवी में जाके अभी अंधाधुन देखेंगे. पैकिंग वैकिंग सब हो गया है पर यू नो खराब लगता है क्योंकि हम लोग तीनों ही यहाँ पे हैं. बट दैट इज लाइफ एंड ही इज गोइंग फॉर हिज ऑफिस वर्क. तो आई ऑलवेज सेंड हिम विथ ए हैप्पी एंड स्माइल. एंड मैं और राय तो यहाँ पे एंड वी कैन ऑलवेज लाइक वीडियो कॉल हम लोग हर वक्त करते ही रहते हैं. पर द प्रॉब्लम इज कि टाइम डिफरेंस हो जाता है. एंड दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. आई होप सो यू ऑल हैव एंजॉयड टुडेज व्लॉग. अगर एंजॉय किया है तो एक लाइक तो बनता ही है. एंड या दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. बाय बाय, गुड नाइट.